आज पूरे प्रदेश भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इतना ही नहीं, हर जाति, हर धर्म और हर पार्टी ने इस पर्व का उत्साह तौर पर मनाया। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि इस लोकसभा चुनाव को लेकर जो हर कोई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपने आप को दलित मसीहा बनाने की कोशिश करता है और चुनाव में वोट पाने की कोशिश करता है, हमारे साथ कुछ शुभचिंतक मौजूद हैं जो बीएसपी से जुड़े हुए हैं और बाबा साहब के लिए काफ़ी समय से काम भी कर रहे हैं। काफ़ी युवा है दुखी और इसमें काफ़ी वरिष्ठ जन भी जुड़े हुए हैं, देख सब लोग सामने खड़े भी हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ आज क्या कुछ खास दिन रहा है। आज का दिन हम लोग के लिए तो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। ये हमारे नहीं बल्कि पूरे विश्व के दबाए दबे कुचले लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि इस अगर बाबा साहब ना होते तो शायद हम लोग आज जो इस माइक पे बोल रहे हैं या इस तरह खड़े हैं ये शायद ना हो पाते। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। सबसे उससे बड़ा एक और चुनाव का दौर चल रहा है काफ़ी ज़्यादा और लोग हर पार्टी जो है बाबा साहब जी का जन्मदिन दिवस भी मना रहे हैं, उनका परिनिर्वाण दिवस भी मना रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये दिवस मनाने से जो दलित जो मसीहा मायावती जो कहा जाता है, क्या वो अब कहीं ना कहीं उधर से वोट बटने के चांसेस हो जाते हैं? साथियों, मेरा नाम कमलेश कुमार गौतम है और मैं सरोजनी नगर विधानसभा का प्रभारी हूँ और पूर्व में लखनऊ मंडल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। साथियों, ये जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो 133वीं जयंती पूरे विश्व में मनाई जा रही है, इसमें जो समाज के विभिन्न वर्गों के धर्मों के लोग आज के दिन पूरे हर्षोल्लास के साथ उसको मनाने का काम कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि ये चुनाव का दौर है, साथियों चुनाव के दौर में जो हमारा ये बहुजन समाज है, ये पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन करता है और बहन कुमारी मायावती जी को इस बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे जोर से लगा हुआ है और इससे परिवर्तन भी होगा जो हमारा समाज है। मगर हमारा जो समाज पूरी तरीके से तो लगा है, उसके साथ साथ जो हमारे ईवीएम वाला मामला जो चल रहा है इसमें भी कुछ गड़बड़ी है, तो इससे हमारा वोट जो पड़ता है वो पूरे सही तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। तो साथियों, ये है कि हमारा जो वोट बैंक, इससे हमारा परिवर्तन होगा और पूरा बहुजन समाज का या बैकवर्ड का जितने भी माइनॉरिटी के जो लोग हैं बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे और उनको जिताने का भी काम करेंगे। क्या लगता है कि इस बार बीएसपी चुनाव में कितना किस हद तक अपना परचम लहरा पाई? देखिए, ऐसा है, बहन कुमारी में आते हैं और वो जो है चुनाव जीतेंगे और देश के दलित महिला प्रधानमंत्री बनेंगी, ये मेरा दावा है। और रही बात अम्बेडकरवादी, सबसे मिशनरी हमारी बहन जी हैं और अंबेडकरवादी हैं, संविधान बचाने वाले वही हैं। बाकी तो हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन बाबा साहब दोगलापन करती हैं, मैं उनके साथ नहीं, मैं बहन जी के साथ हूँ। एक सवाल आपसे पूछते हैं, बीएसपी काफ़ी बड़ी पार्टी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मायावती के ऊपर थी, लेकिन अब उस जिम्मेदारी आकाश आनंद पर आ गई, तो क्या लगता है इस चुनाव में आकाश आनंद उस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? बहुत कायदे से निभा रहे हैं, जितना बहन जी चाहती तो बहुत पहले उन्हें लॉन्च कर सकती थी, मगर उन्होंने इंतज़ार किया, उनकी ऐसी ट्रेनिंग दी है कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर बहन जी के पद चिन्हों पर चलेंगे और आने वाले समय में बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे वो, जिस पर हमें पूरा यकीन है, बल्कि पूर्ण विश्वास है। और आप उनकी रैलियों में देख रहे होंगे, तमाम वो भाषण भी दे रहे हैं, उनके भाषण में पूरी बहन जी की छवि आती है, माननीय साहब की छवि आ रही है, तो निश्चित तौर पर हमारा जो आंदोलन था बहुजन आंदोलन बिल्कुल सही हाथों में है। आपको क्या लगता है बीएसपी या फिर आप किसको वोट देंगे? वोट की बात नहीं करो, वोट मत बताइए किसको देंगे, आप ये बताइए आप कैसी सरकार चाहते हैं? सरकार ही नहीं मतलब, सरकार ही नहीं मतलब है, आप कैसी सरकार चाहते हैं? अरे हमारी बहन जो कुमारी मायावती की सरकार जैसी तो सरकार कोई बनी कहाँ? क्यों बहन मतलब बीएसपी को ही क्यों चुना आपने? अरे बीएसपी से हमें लाभ मिलती है। क्या लाभ मिला है? हमें बहुत कुछ मान मिल जाता है, रहने का पूरा अधिकार मिल जाते हैं, बोलने बताने का, चलने का। अगर हम ऐसे हम और जाने की अगर बीएसपी को जैसे बताया जा रहा है कि बीएसपी को कई लोग चुना है, अगर हम आपकी अपनी राय जानना चाहें कि आप कैसी सरकार चाहते हैं? मुझे तो सरकार वही चाहिए जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मस्जिद और शिक्षा के लिए सोचे, वो सरकार जो मंदिर मस्जिद जो वोट नहीं मांगती है उस सरकार को ही वोट देना चाहिए, बाकी किसी सरकार को वोट नहीं देना चाहिए। आपकी नज़र में ऐसी कौन सी सरकार है?
मुझे तो बीएसपी यही लगती है, ना मंदिर जाती है ना मस्जिद जाती, जबकि और लेडीज होने के बावजूद नहीं जाती, और ऐसे मूर्ख लोग हैं जो मंदिर जाते हैं, जो पढ़े लिखे भी लोग हैं, और जो अनपढ़ हैं वो भी देखो आज बैठे हैं कुर्सी पे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वोट अपना सही संभला मत दें कि और हिंदू मुसलमान ना हो बस। तो ये हमारे साथ कुछ ऐसे अनुदायी जुड़े हुए थे जो लंबे समय से बाबा साहब के नियमों पर कर चल रहे थे, काम कर रहे थे, और चूंकि उन्होंने बताया कि किस तरीके से अब इस लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी जो है पूरी तरीके से कहीं मजबूत जरूर दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभा साक्षी न्यूज, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।